आपको आयोयामा तो याद ही होगा, वही लड़का जो जापानी नेशनल यूथ फुटबॉल टीम का हिस्सा रह चुका है। काफी अच्छा फुटबॉलर होने के साथ साथ वो काफी ज्यादा सफाई पसंद इंसान भी है। लड़के हो या लड़कियां, सभी उसकी दीवानी है, पर वह उन सबसे खुद को बचाता रहता है ताकि वह उनसे गंदा ना हो जाए। खैर, कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब क्योंकि यह कहानी के मेन कैरेक्टर का स्कूल है, तो इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ हमें अजीबोगरीब कैरेक्टर देखने को मिलने वाले हैं। इनमें से एक है अत्सुमो ओजाकी, जो कि एक मांगा आर्टिस्ट है। देखा जाए तो वह एक सफल मांगा आर्टिस्ट है, यहाँ तक कि उसके मांगा को एनिमे एडेप्टेशन भी मिलने वाली है। उसकी मांगा को स्कूल के बाकी सभी बच्चे काफी चाव से पढ़ते हैं, पर क्योंकि ओजाकी अपने तक ही सीमित रहता है, इसलिए किसी को यह पता नहीं कि वह ही उस मांगा का क्रिएटर है। पर एक तरह से यह उसके लिए अच्छा ही था, क्योंकि गुमनाम होने की वजह से वो मांगा रीडर्स के ट्रू फीलिंग को देख सकता था और उसका निरीक्षण कर अपने मांगा को और बेस्ट बनाने की ओर काम करता था। एक दिन वह आयोयामा के पॉपुलैरिटी और नेचर को देखते हुए उससे अपने मांगा की नई कैरेक्टर की प्रेरणा लेने का निश्चय करता है। वह चुपके चुपके उसका पीछा करने लगता है और उसके बारे में और अधिक जानने की कोशिश करता है, लेकिन वह इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होता कि लोगों के द्वारा इतने अधिक पसंद किए जाने के बावजूद आयोयामा उन्हें बिल्कुल भी भाव नहीं देता था, उल्टे वह उनसे दूरी बनाए रखता था। इसे देख ओजाकी इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आयोयामा एक अच्छा इंसान नहीं है, इसलिए वह अपने मांगा में आयोयामा के कैरेक्टर को नेगेटिव रोल में इंट्रोड्यूस करता है। उसके कैरेक्टर का नाम है विजेट सामा। वह एक ऐसा विजेट है जो कि बहुत ही बुरा और क्रूर है। वह दुनिया को साफ सुथरा रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अपने इस उद्देश्य को अंजाम देने के लिए उसके पास ज़ॉम्बीज़ की सेना भी है। ओजाकी ने बेशक उसे एक नेगेटिव रोल में इंट्रोड्यूस किया था, पर उसके उम्मीद के उलट विजेट सामा का कैरेक्टर लोगों में इतना अधिक फेमस हो गया कि मांगा का मेन कैरेक्टर भी उसके सामने चीनी कम चाय बन गई थी। हर कोई विजेट सामा की बात कर रहा था, पर यह बात ओजाकी को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी, क्योंकि मांगा का मेन कैरेक्टर उसने खुद पर ही आधारित करके लिखा था, जो कि अब आयोयामा पर बेस्ट कैरेक्टर से कमजोर पड़ रहा है। लोगों के सामने विजेट सामा को बुरा दिखाने के लिए वो मांगा के बाकी चैप्टर्स में विजेट सामा को और भी ज्यादा ईवल और अमानवीय दिखाने की कोशिश करता है, पर उसकी यह कोशिश कोई भी काम नहीं आती। उल्टे लोगों को तो विजेट सामा और अधिक पसंद आने लगता है। बात तो यहाँ तक बढ़ जाती है कि लोग अब उसके मांगा को विजेट सामा के नाम से ही खरीदने लगते हैं। विजेट सामा के नाम की मर्चेंडाइज और कई सारे टॉयज धड़ल्ले से बिक्री होने लगते हैं। कुछ स्मार्ट बंदों ने तो विजेट सामा नाम का एक कैफे भी खोल लिया था। सोशल मीडिया हो या चाहे कोई भी प्लेस, हर जगह विजेट सामा के ही चर्चे थे। विजेट सामा को नीचा दिखाने के लिए ओजाकी के सारे प्लान्स फेल हो चुके थे। अपना आखिरी दाव ट्राई करते हुए वह इस बार विजेट सामा को एक प्लेबॉय के रूप में प्रेजेंट करता है और इस बार ओजाकी की यह तरकीब काम कर जाती है। विजेट सामा की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है, लेकिन भले ही ओजाकी ने विजेट सामा के फेम को नीचे गिराकर अपने मेन कैरेक्टर को ऊंचा उठाया हो, लेकिन उसके पब्लिकेशन कंपनी को यह बिल्कुल भी फायदा नहीं पहुंचा रहा था, जिसकी वजह से वे उसे विजेट सामा को फिर से वापस पॉपुलर बनाने की डिमांड करने लगते हैं। ना चाहते हुए भी ओजाकी वापस से विजेट सामा को पॉपुलर बनाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन क्योंकि अब वो इस कैरेक्टर को आयोयामा को सेंटर में रखकर नहीं लिख रहा था, जिसकी वजह से दर्शकों को भी इसमें उतनी रुचि नहीं दिख रही थी। अंत में हार मानकर ओजाकी को वापस से पुराने विजेट सामा को वापस लाना ही पड़ता है और फिर से यह कैरेक्टर लोगों में धूम मचा देता है। अब बात करें बास्केटबॉल वाली घटना की। आयोयामा बास्केटबॉल का भी काफी अच्छा खिलाड़ी था, बस उसे चाहिए था उसके हैंड को कवर करने के लिए हैंड ग्लव्स। इसे लगाने के बाद तो वो जितने चाहे उतने बास्केट कर देता था। अब अगर स्कूल में उसके लेवल के किसी दूसरे फेमस स्टूडेंट की बात करें, तो वह थी बास्केटबॉल टीम की एक लड़की मियो ओरिगिरी। उसकी पर्सनैलिटी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो काफी लंबी तो थी, लेकिन जब वो अपने बास्केटबॉल टीम में होती तो कितने ही प्रयास करने के बावजूद भी एक भी बास्केट नहीं कर पाती थी। एक सामान्य आदमी गलती से शायद एक बास्केट तो कर ही दे, पर उससे तो यह भी नहीं हो पाता था। बेचारी हर बार चूक जाती थी, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती और सीधे आयोयामा के पास चली जाती है और उससे इसकी सलाह मांगती है। इस पर आयोयामा उसे बास्केटबॉल की टेक्निक सिखाने के बजाय उसे बॉल को फील करने को कहता है। बाद में जब वे खेल रही होती है तो मियो को एक अच्छा सा मौका मिलता है। वह एक काफी सुंदर जंप मारते हुए बॉल को बास्केट में डालने ही वाली होती है कि फिर से उससे गलती हो जाती है और बॉल साइड में छिटक जाती है, लेकिन तभी आयोयामा कैजुअली बॉल को हल्का सा क्लिक कर देता है, जिससे कि बॉल सीधे बास्केट में चली जाती है और मियो को पॉइंट्स मिल जाते हैं। इसे देख मियो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उसके एडवाइस के लिए थैंक्स करते हुए वह उसके कंधे पर टच कर देती है। सभी इसे देख चौंक जाते हैं। तभी एक लड़का सामने आकर उसे बताता है कि यहाँ सबको पता है कि आयोयामा को छूना मना है, पर सभी यह देख चौंक भी
भी जाते हैं कि आयामा को उसके छूने से कोई दिक्कत नहीं होती। वास्तव में आयामा खुद भी हैरान है कि किसी ने उसे छुआ और उसे कुछ भी एहसास नहीं हुआ। इसे कंफर्म करने के लिए आयामा एक दूसरी लड़की को उसे छूने के लिए देता है, पर उसे छूते ही आयामा बेहोश होकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ऐसा लगता है कि मानो मियो उसके लिए एक चूजन गर्ल है। इसी के साथ उन दोनों में एक खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत होने लगती है। आयामा ने शायद ही इससे पहले किसी के साथ इतना फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाया हो। गलत सोच में मत लेना, उनकी दोस्ती दिन प्रतिदिन काफी खास होती जा रही थी, लेकिन स्कूल के बाकी बच्चों को उनकी इतनी करीबियां बिल्कुल भी रास नहीं आ रही थी। उन्हें लगने लगता है कि ये दोनों जरूर रिलेशनशिप में हैं, जिसकी वजह से बाकी स्टूडेंट्स आयोयामा के प्रति अपने लगाव को खोने लगते हैं। एक दिन आयोयामा मियो को उसके मैच को देखने के लिए इनवाइट करता है। मैच के दौरान आयोयामा जब भी कुछ अच्छा करता है तो वह दौड़कर आकर मियो को एक हाई फाइव करता है। इधर गोटो यह सब कुछ देख रही होती है, भले ही यह उसके लिए काफी तकलीफ देह था, क्योंकि वह निश्चित रूप से आयोयामा की सबसे बड़ी स्टॉकर जो थी, लेकिन वह जानती थी कि यही तो वह चीज है जो कि आयोयामा हमेशा से करना चाहता है। वह भी एक इंसान है, उसे भी एक ऐसे साथ की जरूरत है जिससे वह बिना बेहोश हुए अपने फीलिंग को सेलिब्रेट कर सके। सौभाग्य से उसी वक्त आयोयामा और मियो के बीच के रिलेशनशिप की अफवाह की गलतफहमी भी दूर हो जाती है। इसे सुनने के बाद तो पूरा क्राउड फिर से उत्साह और उमंग में झूम उठता है, लेकिन फुजिमी हाई स्कूल की प्यार की परेशानियां अभी खत्म नहीं हुई है। जूडो क्लब के स्टार प्लेयर सुबासो उमिया एक बहुत ही खतरनाक फाइटर है। ऐसा कोई ओपोनेंट नहीं जो उसके सामने कभी टिक भी सका हो, लेकिन एक दिन अचानक वह जूडो से क्विट कर लेता है और फुटबॉल टीम को ज्वाइन कर लेता है। अब उसके ऐसा करने का कारण आयोयामा नहीं, बल्कि उसने ऐसा क्लब के मैनेजर गोटो की वजह से किया था। वह उसे प्यार करने लगा था, हालांकि उसे यह पता नहीं था कि गोटो पहले से ही आयोयामा के प्यार में पड़ी हुई है। यहाँ तक कि वो केवल वही टी शर्ट पहनती है जिसमें आई लव यू आयामा लिखा हुआ था। लेकिन जब उमिया को यह पता चलता है कि लड़की का ध्यान पहले से ही किसी और पर है, तो वह आयामा और गोटो दोनों को ही जू में घूमने के लिए इनवाइट करता है। जब आयामा जू में जानवरों को निहार रहा होता है, तो उस समय गोटो केवल आयामा को ही देख रही होती है। वही उमिया की नज़र आयामा को देख रहे गोटो पर जमी होती है। वहाँ आयामा के कुछ दोस्त भी आए हुए हैं, जो कि चुपके चुपके उनके इस केमिस्ट्री को देख रहे होते हैं। उन्हें लगता है कि उमिया किसी तरह गोटो को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है और उसे अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसका मन उस पर बिल्कुल भी नहीं है। हद है, वे उमिया जैसे फिजिकल अट्रैक्टिव और मस्कुलर इंसान को आयामा से कमतर आंकने में लगे हुए हैं। लेकिन इधर भले ही उमिया गोटो को प्यार करता है, लेकिन वह गोटो को अपने करीब लाने के बजाय उसे उसका ज्यादा समय आयामा के साथ बिताने को देता है। शायद वह अपने प्यार को खुश देखना चाहता है। सूरज धीरे धीरे डूबने लगता है और उमिया उन दोनों को एक साथ दूर से ही देखकर खुश होता है। ऐसा लगता है कि शायद वह अब उनके बीच कभी नहीं आने वाला। अगले सीन में हमें पता चलता है कि उनकी खूबसूरत कोच मीवा एक फुटबॉल एनिमे की कट्टर फैन है। उसके पास तो उस एनिमे कैरेक्टर की फोटो वाला तकिया भी है। वह एनिमे में देखती है कि एनिमे की फुटबॉल टीम स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में जा रही है। इसे देखते हुए वह खुद के टीम को भी वैसे ही स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में ले जाने का निश्चय करती है। वैसे उन्हें पैसे की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके टीममेट कोयोरू की फैमिली काफी ज्यादा अमीर है और उनका ट्रेनिंग कैंप कोयोरू के फैमिली के बीच रिसोर्ट में ही किया जाएगा, वो भी फ्री में। अब कोई एनिमे हो और उसमें बीच का सीन ना हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। मियो के साथ और भी कई सारी लड़कियां इस बीच ट्रिप को अटेंड करती है। लड़कियों को स्विम सूट में देख लड़कों का ध्यान ट्रेनिंग से भटक जाता है, वे गेम में लड़कियों से हारने लगते हैं। यहाँ तक कि आयोयामा को भी लड़कियों से गेंद छीनने में काफी ज्यादा मशक्कत उठानी पड़ती है। बॉल छीनने के दौरान गलती से आयोयामा का पैर गोटो को छू जाता है। आयोयामा के स्पर्श को पाकर गोटो जैसे अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। बाद में वे सभी पास के ही एक हंटेड प्लेस पे जाने लगते हैं, अपने साहस को चेक करने के उद्देश्य से। लेकिन वहाँ की गंदगी आयोयामा को बिल्कुल भी रास नहीं आती और वह वहाँ सफाई करने लग जाता है। वह उस जगह को इतना साफ कर देता है कि कोई 5-स्टार होटल से वो कम नहीं लगता। ट्रेनिंग कैंप के बाद जब वे अपने सामान्य प्रैक्टिस के लिए जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने दूसरे स्कूल की एक खूबसूरत लड़की उनके पास आती है। आयोयामा के चेहरे को देख ऐसा लगता है कि मानो वह उसे पहले से ही जानता है। आफ्टर स्कूल आयामा के दोस्त उसका पीछा करने लगते हैं। वे देखना चाहते हैं कि वो आखिर यहाँ से कहाँ जाता है, लेकिन एंड में वे सभी खुद को सेबो इबुकी के घर के बाहर पाते हैं, एक फेमस फुटबॉल प्लेयर जो कि स्पेनिश नेशनल टीम का हिस्सा है। जब वे अंदर जाते हैं तो यह देख चौंक जाते हैं कि आयामा उस फेमस स्पेनिश प्लेयर के लिए खाना बना रहा था। उन्हें पता चलता है कि आयामा उसके लिए तब से डिनर बना रहा है जब से वह सेबो से 1-on-1 मैच में हार गया था। पर बात सिर्फ यही नहीं है, वास्तव में जब आयामा यूथ टीम में खेला था तब सेगो भी उसका टीममेट था। हमें प्रैक्टिस के दौरान जिस लड़की को दिखाया जाता है वो एक्चुअली सेगो की गर्लफ्रेंड है। वे दोनों ही आयामा के काफी अच्छे दोस्त थे, पर दिन गुजरने के साथ साथ सेगो और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच का मामला कुछ ठीक नहीं चल रहा था।
भले ही वे एक दूसरे को प्यार तो करते थे पर सेगो को कुरारा की पकाई गई चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी, या कहे कुरारा बिल्कुल भी टेस्टी खाना नहीं पका पाती थी। वास्तव में बात यह है कि कुरारा सेगो के लिए न्यूट्रिशन से भरपूर खाना बनाती थी जो कि उसकी सेहत के लिए अच्छा हो, पर सेगो को इसकी कहां फिक्र थी, उसे तो बस टेस्टी खाना चाहिए था, जिस पर कुरारा उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उनके बीच तकरार भी हो जाती है। उनके बीच के इस झगड़े को सुलझाने के लिए आयामा उनके सामने आता है और सेगो को कुरारा के एक्चुअल इंटेंशन के बारे में बताकर उसे रियलाइज करवाता है कि वह ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वह उसे प्यार करती है। कुल मिलाकर यह एक काफी स्वीट एपिसोड था। अगला हम देखते हैं कि फुटबॉल टीम का एक लड़का जिसका नाम काजामा है, वो आयामा जैसे दिखने के लिए अपने हेयर स्टाइल को चेंज कर देता है और सच में जादुई रूप से उसके खेल में काफी ज्यादा सुधार आ जाता है और लड़कियों में भी वो फेमस बन जाता है। इसमें कोई सेंस तो नहीं है पर ऐसा हो जाता है, लेकिन उसके इस परफॉर्मेंस को देख कोयरू काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है क्योंकि उसके इस प्रदर्शन की वजह से कोयरू को अपनी फॉरवर्ड की पोजीशन जो खोनी पड़ी। कोयरू हेल्प के लिए टीम की मैनेजर गोटो के पास जाता है, इस पर गोटो उसकी मदद करने का फैसला करती है, लेकिन दुर्भाग्य से कोयरू इस खेल में इतना खराब है कि पोस्ट खाली रहने के बावजूद वह एक भी गोल नहीं मार पाता। गोटो को पता नहीं कि अब ऐसी हालत में क्या किया जाए, कोई इतना बुरा कैसे खेल सकता है। लेकिन उसी वक्त कोयरू के फादर अपने इम्प्लॉयज के साथ वहाँ पर आते हैं और उसे इतनी जबरदस्त मेहनत करने के लिए उसे शाबाशी देते हैं, लेकिन वे उसे यह भी भरोसा दिलाते हैं कि वो ढेर सारे पैसे कोच को खिलाकर वापस से उसकी पोजीशन उसे वापस लाकर देंगे। इसे सुन गोटो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो बाप और बेटे दोनों को एक एक जोरदार मुक्का मारकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो कोयरू को पूरी रात बहुत ही कठोर ट्रेनिंग देने लगती है। इस ट्रेनिंग के बदौलत कोयरू इतना तो अच्छा बन ही जाता है कि खाली पोस्ट पर 50% चांस पर गोल मार सके। इसी दौरान उधर काजामा की भी आयामा रिलेटेड हेयर स्टाइल की जादुई पावर खत्म होने लगी थी और वह वापस से टीम का जोकर बनकर रह जाता है। आयामा को काफी बड़े बड़े स्कूलों से उनको ज्वाइन करने के लिए इनविटेशन आ रहे हैं। वे उसे काफी ज्यादा सुविधा मुहैया कराने का भी प्रस्ताव रखते हैं। इसे देख आयामा के टीममेट्स काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, होना लाजमी भी है। बाद में कोयरू आयामा से कहता है कि अगर उसके पास बेहतर ऑप्शन है तो उसका वहाँ चला जाना ही ठीक है, लेकिन आयामा इसका उसे कोई जवाब नहीं देता। सभी के मन में यही सवाल है कि उसके जैसा फेमस और टैलेंटेड लड़का इस साधारण से स्कूल में आखिर क्यों रहना चाहेगा। बात केवल आयामा की ही नहीं है, कोयरू की भी है, वह भी तो काफी अमीर परिवार से है। खैर, इसी के साथ अगला गेम शुरू होता है। यह मैच पूरे इलाके के काफी मशहूर स्कूल कोराइसे हाई स्कूल के साथ था। कहा जाता है कि उनके डिफेंस को कोई नहीं भेद सकता। खतरनाक डिफेंस होने के कारण काफी कोशिश करने के बाद भी आयामा एक भी गोल नहीं मार पाता, जबकि उनके स्ट्राइकर्स दनादन गोल मारने लगते हैं। इससे भी बुरा तो तब होता है जब गोल बचाने के चक्कर में आयामा खुद भी काफी गंदा हो जाता है। अब मैच खत्म होने के लिए केवल 5 मिनट बाकी है, अगर वे इसी गति से चलते रहे तो उनका हारना तय है। लेकिन तभी अचानक से कोयरू को ऑडियंस में अपनी माँ दिखती है जो कि उसे कर रही थी। उन्हें देख और सुन कोयरू काफी ज्यादा उत्साह से भर जाता है और कुछ ऐसे करामाते दिखाने लगता है कि बॉल उसके पैर को छोड़ती ही नहीं और वह एक के बाद एक गोल मारकर टीम को जीत के करीब ले जाता है। कोयरू से प्रेरित होकर आयामा भी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और वह भी दनादन गोल मारने लगता है। आखिर में वे काफी कम समय के अंतराल में जीत हासिल करने में सफल हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि कोयरू ने इन 5 सालों में पहली बार अपनी माँ को देखा था। वह उसे शाबाशी देती है पर तुरंत ही उसे विदाई देते हुए हेलीकॉप्टर में बैठकर ब्राजील के लिए निकल जाती है। उनका मिलन बस यहीं तक था। हमें फिर से कुछ स्काउट्स दिखाए जाते हैं जो कि आयामा को उनके इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन करने का प्रलोभन दे रहे थे, पर आयामा उन्हें इनकार कर देता है। इसे देख कोयरू और बाकी दोस्त उससे पूछते हैं कि वो इतने अच्छे प्रस्ताव को क्यों ठुकरा रहा है, आखिर वो फुजिमी हाई स्कूल के साथ क्यों चिपका रहना चाहता है। आयामा से रीजन सुनकर उनके होश उड़ जाते हैं। वह केवल इसलिए यह स्कूल नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि उनकी जर्सी का कलर व्हाइट है और सफेदी स्वच्छता की निशानी है। इसी के साथ हमारा सफाई का यह लेसन यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आप भी साफ सुथरे रहेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो मिलते हैं अपने ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। साइन आउट।